मुरैना भरतपुर लुपिन फाउंडेशन भरतपुर की ओर से वैर उपखंड के गांव मोरदा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर पर वैर भुसावर उपखंड स्तरीय अमरूद महोत्सव 2020 मनाया गया, जिसमें अमरूद प्रदर्शनी, आधुनिक कृषि यंत्र मशीनों का जीवंत प्रदर्शन तथा बागवानी कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वैर के तहसीलदार सुरेश चंद जाटव तथा विशिष्ट अतिथि ग्राम पंचायत समराया सरपंच तुलसीराम गुर्जर, किसान नेता पद्म सिंह, गंभीर सिंह, भीम सिंह, विक्रम सिंह रहे। अध्यक्षता लुपिन के ACPM डा भीम सिंह ने की। लुपिन के ACPM डा भीम सिंह ने कहा कि आधुनिक युग में खेती एवं बागवानी को बढ़ा देने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अमरूद बागवानी में मशीनीकरण की जरूरत है, जिससे किसान को समय एवं लागत की बचत तथा पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी के साथ साथ आर्थिक लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि भरतपुर जिला की वैर भुसावर बयाना रूपवास तहसील में अमरूद की बागवानी की प्रतिवर्ष विधोत्तरी हो रही है। आज करीब 10-15 हजार वीद्या भूमि पर अमरूद की बागवानी है। लुपिन द्वारा कृषकों को पौध, कृषि यंत्र आदि सहित समय समय पर प्रशिक्षण दिलाए जाते हैं। उन्होंने लुपिन की योजना तथा प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि यंत्र आदि की जानकारी दी और किसान क्राफ्ट कंपनी द्वारा लगाए आधुनिक कृषि यंत्र पावर टीलर, रीपर, डीगर आदि यंत्रों की जीवन प्रदर्शन किए गए और किसान को बागवानी क्षेत्र में यंत्रों का उपयोग करना सिखाया गया। तहसीलदार सुरेश चंद जाटव ने लुपिन की योजना तथा अमरूद की बागवानी सहित कस्बा वैर में संचालित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र की सराहना की। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर शिव सिंह धाकर ने बताया कि अमरूद प्रद नहीं वाला, उसमें डाल दो ये जब 10 किलो गोबर, 2 किलो बेसन, 2 किलो जो है आपको गुड़, इस तरह से डाल के और आप 5 लीटर जो है गौमूत्र डालने के बाद ये पूरा उसमें 200 लीटर पानी में डाल दीजिए गोबर के समय, तो 48 से 72 घंटे के अंदर आपका जीवामृत बन जाए। अब जीवामृत बन गया, अब इस जीवामृत को क्या है, पौधों पे छिड़क दीजिए। अगर कोई नहीं छिड़क सकता है तो जो पानी लगा रहे हो तो उसी के साथ आप करीब 1 एकड़ के लिए सफिशियंट ये हो जाता है। किसी के पास ज़्यादा 1 एकड़ खेती है तो उसी को आप बार बार 2-3 ग्राम में बना लीजिए, उसी तरह से आप इसको डाल दीजिए। लगा तो ऐसा होता है क्या, तो उसके लिए क्या है कि एक प्रबंधन होता है कि बच्चे को वो वर्जिश करानी है, दंड बैठक लगाएगा, जिम में जाएगा, उस मल्लगिरी इसी तरह से ये अमरूद के प्रबंधन की भी एक पूरी पद्धति है, उसका लिटरेचर भी मैं आपको अभी दूंगा। और जो सुभाष पालेकर की जो विधि है, ये समस्या जो आ रही है लाल वाली, ये भी समस्या है। दूसरी जो किसान भाई जो बता वो प्रमुख समस्या है आपकी, और एक जो आई है वो भी समस्या है, और एक जो है अमरूद में सूखा रोग लग जाता है, और उनके जब और बहुत से जो नए बाग लगा रहे हैं उनमें भी पीले पीले पत्ते पड़कर धीरे धीरे वो भी सूख जाते हैं, और वो करीब 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने में सूख जाते हैं। ये 3-4 यही है, तो इसके लिए जो है हमें अमरूद के जो प्रबंधन की बात करनी है, ध्यान रखा जाए कि हमारे जो पौधे हैं वो स्वस्थ आने चाहिए।